तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस तरीके से फेस के ऊपर कलरिंग किया था, और आज के इस वीडियो में इस ड्रॉइंग की जो भी बाकी है लाइक बैकग्राउंड और हेयर्स वो सब मैं कलर करना सिखाऊंगा। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में कलरिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ बोलने को है। बस मैं रिफरेंस फोटो को देखकर जहाँ पर जो भी कलर में ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उस कलर से बस मैं वहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। और हाँ, जो भी कलर मैं यूज कर रहा हूँ वो आप लोगों को वीडियो के स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, वो चीज नोटिस करना। और अभी बाकी के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर से अच्छी तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ, और एक चीज ध्यान रखना कि हेयर्स के एरिया में व्हाइट कलर घुसना नहीं चाहिए। ओके, व्हाइट कलर से शेडिंग कर लेने के बाद अभी ऊपर की तरफ डीप येलो कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, और नीचे की तरफ लाइट येलो कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। ओके, अभी बस पूरे बैकग्राउंड को कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर देना है, और एक चीज का ध्यान रखना कि डार्क एरियाज में अलग कॉटन बर्ड का यूज करना है और लाइट एरियाज में अलग कॉटन बर्ड का यूज करना है। और जिस भी कलर के ऊपर आप लोग ब्लेंड करोगे ना, उस कलर से पहले कॉटन बर्ड के ऊपर इस तरीके से घिस लेना, देन देखना कलर फेड नहीं होगा। ओके, बैकग्राउंड रेडी हो गई है, और अभी हेयर्स के ऊपर कलर करने के लिए मैं पहले ब्राउन कलर का यूज कर रहा हूँ। और ब्राउन कलर से रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। किस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो। और ब्राउन कलर से शेडिंग कर लेने के बाद जो भी लाइट पार्ट्स दिख रहे हैं उसमें डीप येलो कलर से शेडिंग कर लेना है। और अभी इसके ऊपर डार्क वैल्यूज को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूँ। और ध्यान रखना रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके लाइट पार्ट्स में छोड़ के या फिर हल्के हाथ से शेडिंग करना है, और जहाँ पर भी एकदम से डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है। शेडिंग मतलब फेस के ऊपर या फिर बैकग्राउंड में जिस तरीके से शेडिंग किया हो उस तरीके से नहीं, हेयर की डायरेक्शन में इस तरीके से स्ट्रोक लगाना है। और अभी इसको हेयर की डायरेक्शन में कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर देना है, और जैसे तैसे करके नहीं, जिस तरीके से हेयर की डायरेक्शन में शेडिंग किए थे सेम उसी तरीके से अभी ब्लेंड भी करना है। ओके, ब्लेंडिंग भी हो गई है, और अभी जहाँ पर भी और डार्क वैल्यूज चाहिए वहाँ पर मैं ब्लैक कलर से हेयर की डायरेक्शन में शेडिंग कर रहा हूँ।
और अभी थोड़ा बहुत लो प्रेशर अप्लाई करके फेस के ऊपर बियर्ड्स में भी ब्लैक कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा और डार्क वैल्यूज चाहिए वहाँ पर। और अभी शार्ट्स में भी ब्लैक और व्हाइट कलर से सिंपल तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ एंड देन इसको भी ब्लेंड कर देना है। और अभी पहले जो भी ब्लैक से शेडिंग किए थे वो सब एकदम लो प्रेशर में फिंगर से ब्लेंड कर देना है। और लास्ट में अभी हेयर्स के ऊपर हाइलाइट्स करने के लिए मैं कैची से स्क्रैच कर रहा हूँ। और ये चीज रिफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके आप लोगों को करना है। हाइलाइट्स ना ज्यादा देना है ना कम देना है, जितना रिफरेंस फोटो में आप लोगों को दिख रहा है बस उतना ही देना है। बाकी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो मैं कहाँ पर किस तरीके से हाइलाइट्स किया हूँ। तो बस गाइस ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।